देखो क्या है ना, मैंने जिंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा, तो उसी चीज़ का नतीजा। और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। आपको लगता होगा यार ऐसा कि जानी जा रही है कहीं ना कहीं, लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन है दिखा के आए हो, अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। जी भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या, किसी के कैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे एक प्लस पॉइंट भी है, उसका हक है यार उस चीज़ का। कौन ये कौन है? नहीं 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 सुना। वाव यार वाव, मजा आ गया सुन के। यार खत्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूंगा खैर, बट हाँ रखना जरूर चाहूंगा विशाल शिवानी और सना के साथ मकबूल। भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलना देना उसका काम ही बोलना, उसे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? नहीं यार देखो अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको, वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोज वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एलिविश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास, और ऑब्वियसली बात है मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना, एलिविश के लिए, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। फिलहाल के लिए तो नहीं यार, यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो, अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता अभी अभी अक्टूबर के आसपास, तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इन्जॉय करना दोबारा, अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी जल्दी नहीं भाई, नहीं बोलेंगे यार वो समझते हैं मुझे। मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखाना यार, मेरे को ना मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी ऑब्वियसली खेल गया यार, और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने थे मुझे यार। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी? नहीं, यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला,
और जब बाहर आके मैंने बात करी उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है आपने भी कहा विशाल गलत था उस टाइम पर, जो भी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत जी, मैंने फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना आपको समझ आ जाएगा। गाइस लास्ट क्वेश्चन प्लीज। किस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं मैं हूँ, कोई भी खड़ा दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात हनुमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी दो शादी कर रखी है, समझ रहे हो ना। मैं आपका आवाज़ ही नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं नहीं नहीं भाई, उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलती लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी।